संजय दत्त लंबे वक्त बाद अपने प्रोडक्शन हाउस वर्जिन ट्री की फिल्म प्रस्थानम से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी पत्नी मान्यता दत्त इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। संजय ने अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए कहा कि जब वो जेल में थे तो मान्यता का ध्यान केवल अपने काम, परिवार, बच्चों और मुझ पर रहता था। मुझे मान्यता पर गर्व है। संजय हाल ही में संजय और मान्यता ने एक इंटरव्यू में निजी जिंदगी को लेकर बात की। उन्होंने बताया, मुझे मेरी पत्नी पर बहुत गर्व है। मैं जेल में था उस वक्त मान्यता ने मेरे परिवार और बिजनेस को बखूबी संभाला। उसका ध्यान हमेशा से ही घर, परिवार, बच्चों और काम पर रहा। मेरे पिता के गुजरने के बाद उसने मुझे संभाला। वो हमेशा ही मेरे साथ रही और हर कदम पर मेरा साथ दिया। वहीं मान्यता ने कहा, कई लोग समझते हैं कि मेरी वजह से संजय की जिंदगी रुक गई, लेकिन उन्हें ये बताना चाहूंगी कि संजय और मैं एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों से बचाते हैं। जब संजय जेल में थे तब भी वो बच्चों को लेकर फिक्रमंद रहते थे। मान्यता बताती हैं, सुनील दत्त हमेशा से ही संजय को लेकर चिंतित रहते थे। अफसोस है कि वो उस वक्त जिंदा नहीं थे जब अदालत ने संजय पर लगा टाडा कानून हटाया। दोनों ने अपने 9 साल के जुड़वा बच्चों शहरान और इकरा के बारे में भी बात की। मान्यता ने बताया कि उनकी बेटी इकरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उनकी बनाई पेंटिंग्स हर साल स्कूल मैगजीन के लिए सिलेक्ट होती है। मान्यता बेटी की बनाई पेंटिंग्स के लिए एक एग्जीबिशन लगाने की प्लानिंग कर रही हैं। वहीं शहरान की दिलचस्पी स्पोर्ट्स में ज्यादा है। वो फुटबॉल, क्रिकेट और ताइक्वांडो जैसे गेम्स खेलता है। संजय ने अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि किट्टी नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो केवल प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं। इसके अलावा वे होम प्रोडक्शन फिल्म वर्जिन बाबरा और पंडित गली का अली में बतौर एक्टर नजर आएंगे। वे पानीपत, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, शमशेरा, पृथ्वीराज, KGF 2 और सड़क 2 में भी दिखाई देंगे।